हेलो फ्रेंड्स, आज 9 मई 2022 और हम इस लेक्चर में रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 3B। हमने आज ही GSTR 1 फाइल की है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 और हमने मंथली ऑप्ट किया हुआ है। हम क्वार्टरली भी ऑप्ट कर सकते थे जिसमें टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन अब हमें मंथली ही फाइल करनी होगी अप्रैल 2022 GSTR 1 फाइल, GSTR 3B नॉट फाइल। हमने इसको क्लिक किया और ड्यू डेट बता रहा है 20 मई 2022। रिटर्न डैशबोर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 क्वार्टर 1 पीरियड अप्रैल। सर्च GSTR 1 फाइल और यहां से हम डाउनलोड भी कर सकते या व्यू भी कर सकते हैं। मंथली टर्न GSTR 3B प्रिपेयर ऑनलाइन, यू वांट टू फाइल नील टर्न, आवर आंसर इज नो। नेक्स्ट GSTR 3B टेबल, GSTR 1 से आ गया फाइल स्टेटस समरी, यस। रिवर्स चार्जेस या ITC हमारा नहीं, ये हमें हमारा 2008 टैक्स वैल्यू था और उस पर 180.92 CGST और 180.92 ये हमारा GSTR 1 से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। हमारी कोई ITC एलिजिबल नहीं है, इंटरेस्ट लेट फीस फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड ये भी नहीं। प्लीज क्लिक ऑन सेव, हमने अपना पेमेंट अभी टैक्स का करना है। प्रोसीड टू पेमेंट, हमारा कोई कैश लेजर बैलेंस नहीं है और ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है CGST 188 रुपीस और SGST 188। क्रिएट चलान और ये आ गया टोटल चलान अमाउंट 376 ओनली। ई पेमेंट ओवर द काउंटर, नेफ्ट और RTGS। ई पेमेंट में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास बैंक हैं। जनरेट चलान, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, प्रेफर्ड बैंक्स, नेट बैंकिंग। यहाँ पर जिस बैंक के थ्रू हम करना चाहते हैं उस बैंक का नाम नहीं है, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, SDFC, यूनियन, यूको, हमारा इसमें बैंक नहीं है जिसमें हमारा बैंक अकाउंट। हमने किया नेफ्ट ऑब्लिक RTGS और यहाँ पर बहुत सारे बैंकों की लिस्ट है। हमने अपना बैंक चूज कर लिया, जनरेट चलान और ये अमाउंट आ गया 376 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड। ये चलान क्रिएट हो गया, GST PMT 06 CPI नंबर आ गया, चलान जनरेटेड ऑन 9th May 2022 और ये एक्सपायर हो जाएगा 24th May। GST नंबर है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, नेम है और अमाउंट है 376। और ये जब मैं क्लिक किया था नेफ्ट को तो बैंक का नाम आ गया, बेनिफिशियरी नेम GST, CPI नंबर, बेनिफिशियरी बैंक, IFSC कोड, 376 रुपीस का अमाउंट। I authorize Kotak Mahindra Bank Limited to remit an amount of 376 only through NEFT or RTG. एक तो हम बैंक में जाकर पे कर सकते हैं या हमारे पास नेट बैंकिंग है तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते। ये चलान जनरेट हो गया GST PMT 06 और 9th May 2022 उसको डेट लिखी है और इसकी एक्सपायरी है 24th May 2022। GST नंबर लिखा हुआ है, ईमेल, नेम और CGST का अमाउंट, SGST का अमाउंट, टोटल 376 रुपीस। और ये नेफ्ट की डिटेल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, GST, CPI नंबर, पैसा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका IFSC कोड और अमाउंट 376। अपने बैंक की साइट पर पहुंच गए, यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक में है टैब मोर में ई टैक्स पेमेंट और लास्ट में है GST और इसके अंदर है GST पेमेंट। हमने CPI नंबर लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया जिस अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा, जनरेशन डेट, एक्सपायरी डेट, नेफ्ट, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर अपने आप आ गया, सेविंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IFSC कोड और अमाउंट 376 और हमने कर दिया इसको सबमिट। एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। हमने कर दिया इसको कन्फर्म, योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और लिखा हुआ है एक्चुअल GST पेमेंट रिसीव्ड will need to be downloaded from GST portal और ये हमें काम कोटक महिंद्रा बैंक में
7 AM टू 6 PM करना होता है। फ्रेंड्स, आज 11th मई 2022 हो गई है और हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया है नेफ्ट के थ्रू अपने बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक। हमें रिटर्न फाइल करनी है GST R3B और ड्यू डेट है 20th मई 2022। रिटर्न डैशबोर्ड अप्रैल हमने चूज कर लिया। ये GST R1 ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं। GST R3B मंथली रिटर्न प्रिपेयर ऑन 9। हम नील की फाइल नहीं करना चाह रहे, इसको हमने क्लोज करना है और ये हमारा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज आया हुआ है 187.92 CGST 187.92 SGST। हमारी नहीं है, ITC हमारा नहीं है और इंटरेस्ट एंड लेट फीस भी नहीं है। हम कर रहे हैं इसको प्रोसीड टू पेमेंट और कैश एज ए बैलेंस में जो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया अभी नेट बैंकिंग के थ्रू, नेफ्ट सिस्टम के थ्रू वो यहाँ पर अमाउंट कर रहा है और ये अमाउंट CGST SGST मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेसर। यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंटोलाइजेशन एज इंडिकेटेड, यस ऑफसेट सक्सेसफुल, ओके प्रोसीड टू फाइल। आई हेयर बाय डिक्लेयर, इसको अपने करना है, हमारा नाम आ गया। प्रीव्यू ड्राफ्ट करना चाहें पहले प्रीव्यू कर लें। ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई 2088 टैक्स वैल्यू 187.92 CGST और उतना ही SGST। पेमेंट ऑफ टैक्स 376 रुपीज हम कर रहे हैं। ब्रेकअप टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड 188 + 188। फाइल GSTR 3B विद EVC OTP वो लिख दिया, वेरीफाई और ये फाइलिंग सक्सेसफुल हो गई हमारी। GSTR 3B फॉर द पीरियड अप्रैल 2022 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन 11th मई 2022 और हमें ARN नंबर भी आ गया। ओके, हम डैशबोर्ड पर गए, फाइल रिटर्न्स अप्रैल किया और ये देखिए ये हमारा आ गया फाइल GSTR 1 जो हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और ये GSTR 3B।